Hello class, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to see the second part of the chapter, Fun with Numbers. Now, we are going to do counting in tens. What do you mean by tens? Tens means 10-10 number ke beech ka distance, jaise ke 10, phir 20, phir 30. Let's see. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. अब इन सभी नंबर के बीच में देखिए 10-10 डिजिट्स का गैप है. इसे हम एक पैटर्न जैसे भी बोल सकते हैं. यहाँ पे देखिए 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, एंड 200. सभी नंबर्स के बीच में 10-10 डिजिट्स का गैप है. ये जो 10-10 डिजिट्स का जो गैप है, इन्हें हम बोलेंगे काउंटिंग इन टेंस. नाउ काउंटिंग इन फिफ्टीज, यानी कि दो नंबर के बीच में 50 का गैप है. 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 एंड 650. सारे नंबर्स के लिए कितने का गैप है बच्चों? तो 50 का गैप है. तो इसे हम बोलेंगे काउंटिंग इन 50s. नाउ हमारा जो नया टॉपिक है वो है पैटर्न्स. पैटर्न्स में फर्स्ट हम देखेंगे टू स्टेप फॉरवर्ड. अब यानी कि आपको दो कदम आगे बढ़ना है. जैसे कि देखो 22, 24. अब 22 से 24 तक पहुंचने के लिए दो कदम आगे करना है. तो 23 एंड देन 24. तो दूसरे कदम पे कौन सा नंबर आया? 24. वैसे ही 24 के बाद में दो डिजिट करने हैं. तो 25 एंड 26. सेकेंड डिजिट पे कौन सा नंबर आया? 26. 27, 28. तो कौन सा डिजिट है? 28. देन 29 एंड 30. तो टू स्टेप फॉरवर्ड यानी कि आपको दो नंबर आगे जाना है. तो 26, 28, तो 29, 30. अभी देखो यहाँ पे आपको कई बार ऐसे रखा होगा, 22 लिखा होगा, 24 लिखा होगा और फिर बाद में डैश 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 दे दिया होगा, यानी कि आपको फिल करना होता है. तो आप इन दोनों के बीच में नंबर कितने बाकी रहते हैं वो देखो, यानी 24 माइनस 22 करो. अगर आपको पता करना है कि मुझे कितने नंबर का गैप रखना है, तो आप इस नंबर को और इस नंबर को माइनस करो. 24 माइनस 22 कितना होता है? 2 होता है. यानी कि अब आगे हम जो बनाएंगे पैटर्न वो टू स्टेप फॉरवर्ड होगा. तो 24 का 26 हुआ, यहाँ 28 हुआ और यहाँ पे 30 हुआ. 104, देन 106. दोनों के बीच में 2-2 डिजिट्स का गैप है, इसलिए 104, 105 एंड 106, 107, 108, 109 एंड 110. तो ये हमारे पैटर्न्स हुआ टू स्टेप फॉरवर्ड. फॉरवर्ड यानी आगे जाना. नाउ टू स्टेप बैकवर्ड, बैक आना, पीछे आना. हम सबको बैकवर्ड काउंटिंग आती है. 80, 80 के दो कदम पहले 80, 79 एंड 78, 79, 78, इसे आया 78, 77, 76, 75, 74 एंड देन 73 एंड 72. इसलिए यहाँ पे ये टू स्टेप बैकवर्ड, हम पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं. 80, 78, 76, 74 एंड 72. 262, अब बैक जाना है. तो 261, 260, इसे हमारा आंसर आया 260, 259, 258, तो 258, 257, 256, तो आंसर हो गया हमारा 256. नाउ 10 स्टेप बैकवर्ड, 10 कदम पीछे जाना है. हमें नंबर दिया है 200, तो 10 कदम पीछे जाना तो कैसे होंगे? देखो 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190. तो 10th डिजिट पे कौन सा नंबर आया? 190. सिमिलरली 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 80. यानी 10th डिजिट पे कौन सा नंबर आया? 180.
वैसे ही हमारे नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 170 एंड देन 160. नाउ 500 से बैक जाएंगे तो 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491 and 490 यानी कि 10 कदम हम पीछे गए हैं. सो 480 एंड देन 470. आप इसमें माइनस 10 करोगे ना बच्चों तो फिर भी आ जाएगा. अगर फॉरवर्ड बोलते तो प्लस 10 कर देना, बैकवर्ड बोलते तो माइनस 10 कर देना, तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे. नाउ लेट अस सी सम अदर पैटर्न्स. यहाँ 550 दिया है, देन सेकेंड डिजिट क्या है हमारा 560. अब इन दोनों के बीच में कितनी की गैप है बच्चों, तो 560 माइनस 550 करेंगे तो 10 की गैप है. तो हमें आगे जो नंबर्स करने हैं वो 10-10 के गैप में लिखने हैं. तो 560 प्लस 10 570, 570 प्लस 10 580 एंड 580 प्लस 10 विल गिव यू 590. नेक्स्ट इज 110 और सेकेंड डिजिट क्या है 920. तो वापस से यहाँ दोनों के बीच में 10-10 का गैप है, तो प्लस 10 हम आगे बढ़ते जाएंगे. 920 प्लस 10 930, 930 प्लस 10 940 एंड 940 प्लस 10 विल गिव यू 950. 209 और सेकेंड डिजिट क्या दिया है 207. इन दोनों के बीच में कितने की गैप है बच्चों, 2 गैप है. बट ये क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है इसलिए हमें 2 स्टेप बैक जाना है. तो 207 तो 206 एंड 205, तो इसलिए हमारा आंसर आया 205. फिर 2 स्टेप पीछे तो 204, 203, तो हमारा आंसर आया 203. आपको सिर्फ माइनस 2 भी करना है डायरेक्टली आप कर सकते हो, तो 203 माइनस 2 201. 401 एंड नेक्स्ट डिजिट इज 402. अब यहाँ पे सिर्फ 1 का गैप है, यानी हमें नेक्स्ट नंबर लिखना है. 401, 402, 403, 404 एंड 405. यहाँ पे हमें प्लस 1 करना है. दोनों के बीच में कितना डिजिट है, तो 1 का गैप है, इसलिए हमने यहाँ पे हर जगह प्लस 1 किया. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट टॉपिक अवर काउंट. नाउ काउंट यानी कि आपको इस शेप्स पे ध्यान देना है कि ये जो स्क्वायर है ये 10 का शेप है. तो 10 एंड 10, 10 प्लस 10 गिव्स अस 20 और ये जो ट्रायंगल है ये हमारा 1 है. तो 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 10 21 प्लस 1 22 एंड 1 23, इसलिए हमारा आंसर आ गया 23. यहाँ पे देखो 100 और 1 तो 101, 102 और 102 में प्लस 100 करो तो 202. सिमिलरली ये देखो ये सारे 100 हैं, तो 100, 200, 300, 400 एंड 500. थैंक यू. दिस वीडियो हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू यू बाय स्प्रिंग डे स्कूल. आई होप आपको काउंटिंग एंड पैटर्न्स अच्छे से समझ में आ गया होगा.